हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल इंग्लिश कर रहे हैं चैप्टर 2929 कंपैरिजन 2, जिसमें ईआर कॉमा मोर इन दोनों का यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले कंपैरिजन 1, जिसमें हमने सीखा था पॉजिटिव डिग्री, जैसे मीरा और रीमा दोनों की हाइट समान है, तो वी से मीरा एज टॉल एज रीमा। अब उसका नेगेटिव फॉर्म देखें तो मीरा इज नॉट सो टॉल एज रीमा। अगर मीरा रीमा के जितनी हाइट पे नहीं होगी तो हम नेगेटिव फॉर्म क्या लिखेंगे, मीरा इज नॉट सो टॉल एज रीमा। ये प्रैक्टिस हमने कंपैरिजन 1 में की थी। आज हमें करना है कंपैरिजन 2, जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री सेकंड पार्ट। ओके, डिग्री का सेकंड फॉर्म करना है। अभी यहाँ देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो देम। अब आपको पिक्चर्स देखना है और सेंटेंस रीड करना है। नाउ फर्स्ट पिक्चर इज डिक, डिक इज टॉल। सेकंड पिक्चर इज अहमद, अहमद इज टॉलर देन डिक। अब देखिए कंपैरिजन यानी क्या, दोनों का तुलना करनी है, दोनों के बीच कंपैरिजन करना है। अभी ये डिक है और ये अहमद है, तो डिक से अहमद क्या है, टॉलर है, बड़ा है। ओके, ऊंचा है। तो वी राइट हियर अहमद इज टॉलर देन डिक। अभी देखो टॉल के पीछे क्या लग गया, ई आर टॉलर, और उसके बाद कौन सा फॉर्म लिखना है, देन। तो ये सेंटेंस हमारा बना कंपेरिटिव डिग्री। नाउ स्टूडेंट, वी लर्न हियर द वर्ड टॉलर इज द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टॉल, यानी जो हमारा एडजेक्टिव टॉल है उसका फॉर्म बना टॉलर। वी गेट द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ सम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बाय एडिंग ई आर। जब हमें कंपेरेटिव बनाना है तो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के पीछे ई आर लगाते, लाइक दैट, ग्रेटर, हार्डर, फास्टर। वी यूज द वर्ड मोर। अब हम मोर कब यूज़ करेंगे, टू गेट द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ सम लॉन्गर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो स्पेलिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब है, जो लॉन्ग है स्पेलिंग, उसके आगे हमें क्या लगाना है, मोर। लाइक दैट, मोर डिफिकल्ट, मोर केयरफुली। द कंपेरेटिव फॉर्म इज जनरली फॉलो बाय द वर्ड देन। उसके बाद हमें क्या लगाना है, देन, लाइक दैट। देखिए, मोर डिफिकल्ट देन, मोर केयरफुली देन। नाउ स्टूडेंट, टर्न योर पेज। नाउ वी रीड इट, लर्न दिस फॉर्म वेल। ये सारे आपको पॉजिटिव वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ कंपेरेटिव करना है, जैसे रिच रिचर, पुअर पुअर, शॉर्ट शॉर्टर, लॉन्ग लॉन्गर, स्मॉल स्मॉलर, क्लेवर क्लेवरर। नाउ सी हियर, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट। ये स्पेलिंग लॉन्ग है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, एक्टिव, मोर एक्टिव, एट्रैक्टिव, मोर एट्रैक्टिव। नाउ सी हियर स्टूडेंट, Notice these comparative forms. अभी यहाँ देखो, ये comparative form को notice करो, fat, fatter, तो यहाँ double T E R हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि T के आगे A E I O U यानी vowels दिया हुआ है, तो जो पीछे हमारा जो spelling है वो repeat होगा। Hot, hotter, big, bigger, thin, thinner। अब यहाँ देखो एक और फॉर्म सीखना है, हैप्पी, तो देखो वाई के आगे वोवेल्स के अलावा जो स्पेलिंग है तो उसका वाई का क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद ई आर, हैप्पी हैप्पियर, हैवी हैवियर, प्रीटी प्रीटियर, लवली लवलियर। द स्टूडेंट सी हियर, रिमेंबर दिस वर्ड्स वेल, गुड बेटर, वेल बेटर। अगर गुड पॉजिटिव में लिखते हैं तो कंपेरेटिव में क्या लिखना है, बेटर। अगर वेल आप पॉजिटिव में लिखते हैं तो उसका कंपेरेटिव क्या होगा, बेटर। बेड तो वर्स्ट, ईल
तो वर्स्ट, ये आपको कंपलसरी याद कर लेना है, ओके? कि पॉजिटिव में बैड हुआ, इल हुआ, और उसका कंपेरेटिव क्या हुआ, वर्स्ट, ओके? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, अंडरस्टैंड इट. हैव अ नाइस डे.